जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि छात्रावास अधीक्षक के 500 पद जारी कर दिए गए हैं उसका नोटिफिकेशन, साथ ही इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है आपका 20 मई से प्रारंभ हो जाएगा। अब बात यह है कि आखिरकार हॉस्टल वार्डन की तैयारी करें तो कैसे करें। पिछले वीडियो में बहुत सारे युवाओं का कमेंट आया था कि सर हॉस्टल वार्डन की तैयारी कैसे करें, और साथ ही छत्तीसगढ़ में बहुत सारी वैकेंसी निकल कर आई है तो हम किस भर्ती की तैयारी करें। तो रही बात यह है कि आप एक पर यानी कि एक एग्जाम पर फोकस कीजिएगा, आपको एक पोस्ट लेना ही है, चाहे कैसे भी करके आपको पढ़ाई करना है, कुछ भी करो लेकिन आप एक पोस्ट के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सारी वैकेंसियां हैं लेकिन आप एक लक्ष्य बनाकर रखिए कि हम इस विभाग में जाना चाहते हैं और इस पद की तैयारी हमको करना है। अब रही बात हॉस्टल वार्डन में, तो हॉस्टल वार्डन में 150 प्रश्न पूछा जाता है जिसमें 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हॉस्टल वार्डन में 50 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रणनीति क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, या अगर इसका एग्जाम पीएससी लेगा या फिर व्यापम, पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी वैकेंसियां निकल कर आई है जिसमें शिक्षक भर्ती का 12,489 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है। उसी प्रकार लेबर इंस्पेक्टर की 34 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है। साथ ही यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी, ठीक है, प्रशिक्षण अधिकारी का 366 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई थी लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसकी संख्या अब में बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि वह 920 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकली है प्रशिक्षण अधिकारी का। उसी प्रकार यहाँ पर व्याख्याता वगैरह और भी बहुत सारे प्रयोगशाला वगैरह आईटीआई से बहुत सारी वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक मेन मुद्दे के बारे में। तो देखिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करें तो कैसे करें, इसकी रणनीति क्या होगी, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक बच्चों के पास पहुंच सके और इसकी तैयारी कर सके। देखिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि हॉस्टल वार्डन की तैयारी कैसे करना है। रही बात अब देखिए छात्रावास में आपका 50 नंबर कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। और रही बात यहाँ पर व्यापम पहले एग्जाम लेता था हॉस्टल वार्डन का, लेकिन अब इसका एग्जाम कौन लेगा, पीएससी लेगा। और रही बात देखिए व्यापम में कभी भी एग्जाम होता है तो आपको 1 से 1.5 माह का समय दिया जाता है, उसी प्रकार आपको पीएससी इसमें 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि देखिए व्यापम में 1 से 1.5 माह समय लगता है तो पीएससी भी तुरंत ले लेगा, ऐसा नहीं है। पीएससी में आपको 2 से 3 महीना ले सकता है, उसके अंदर आपको एग्जाम ले लिया जाएगा हॉस्टल वार्डन का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए। और सबसे मेन बात यह है कि हॉस्टल वार्डन का पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो देखिए हॉस्टल वार्डन का जो पैटर्न है चेंज हुआ है यहाँ पर, जिसमें आपका बाल मनोविज्ञानी से प्रश्न पूछा जाएगा, कौन से बाल मनोविज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा 10 नंबर का, और उसी प्रकार लेबर इंस्पेक्टर का भी वहाँ पर पैटर्न चेंज किया गया है, ठीक है। लेबर इंस्पेक्टर में श्रम विभाग से आपको 15 नंबर जुड़ा है, उसी प्रकार इसमें हॉस्टल वार्डन भी चेंज किया गया। लेकिन देखिए 150 प्रश्न पूछा जाएगा 150 नंबर तो वही रहेगा सिलेबस, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा मार्क्स कम कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक कंप्यूटर में, जिसमें सबसे मेन बात वही है कि आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, या फिर उसमें ओ मेरिट शीट होता है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है, वो आपका पेपर चेक नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, फोकस करके पढ़ाई करना चाहते हैं, आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, तो ये ध्यान से समझिएगा मैं जो बता रहा हूँ। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हॉस्टल वार्डन में, जिसमें गणित का 20 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा, मेन बात याद रखना आपने। छात्रावास अधीक्षक में आपका रीजनिंग नहीं पूछा गया है, सिर्फ आपका मैथ से पूछा गया है 20 नंबर का। उसी प्रकार देखिए जनरल बात यह है कि यहाँ पर हिंदी से आपका 10 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रकार आपका हिंदी से मैं आपको बता दिया हूँ, उसी प्रकार आपका गणित 20 नंबर, इंग्लिश 10 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार आपका सामान्य ज्ञान से आपका 15 नंबर, सामान्य ज्ञान का मतलब होता है इंडियन जीके यानी कि भारत का सामान्य ज्ञान से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भूगोल, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह है ना, इकोनॉमिक्स वगैरह सब आपको पढ़ना पड़ेगा, इतिहास वगैरह जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के सामान्य ज्ञान से,
बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा खेल कूद से, समसामयिक घटनाएं वगैरह से, पर्यावरण से और पंचायती राज व्यवस्था से। मेन बात पंचायती राज व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले टाइम में आया था, इस बार आपको पढ़ के जाना है। समाज विज्ञान में आपको हॉस्टल वार्ड में 15 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ जीके यानी कि छत्तीसगढ़ का इतिहास विशेषकर याद रखना आप, छत्तीसगढ़ इतिहास से बिल्कुल अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसमें आपका सन वगैरह याद करना पड़ता है, ठीक है, क्रम घटनाक्रम जो भी रहता है ना छत्तीसगढ़ में इतिहास वगैरह से, वहां से आपके एग्जाम में अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए लेबर इंस्पेक्टर में 34 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है। उसी प्रकार आपका छात्रावास अधीक्षक में 500 पद से भर्ती, क्या पता इसका जो पद है उसको बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, जो भी नोट वगैरह से या फिर कहीं भी से आप बुक वगैरह से, पेपर वगैरह से, मैगजीन वगैरह से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। उसमें 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको तैयारी करवाऊंगा छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर, गणित, साथ ही छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश और क्या बोलते हैं करंट अफेयर, ये तीनों का सब्जेक्ट का मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। और सबसे पहली रही बात यह है कि लाइव क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल से आपको समझाना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है। जैसे कमेंट करते जाओगे ये सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है तो बहुत लेट हो जाएगा, है ना, क्लास करते टाइम। इसीलिए मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास के तौर पर अपलोड करूंगा, रात 7:30 से 9:30 के बीच रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर जाएगी। बिल्कुल विगत वर्षों का प्रश्न आपको मैं बताऊंगा, वहां से आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिसमें आप तैयारी कीजिएगा। देखिए और रही बात है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्टूडेंट यहाँ पर पूछे थे कि सबसे शुरू में ही सवाल पूछा गया था मुझसे कि सर हर्षवर्धन तैयारी 60 दिन में हो सकता है। जी हाँ, अगर आप जीरो लेवल से है या बिल्कुल तैयारी किए नहीं है, आप जीरो लेवल में पढ़े नहीं है, तो आपका तैयारी हो जाएगा 40 दिन के अंदर हो जाएगा आपका तैयारी। सही रणनीति क्या है, बिल्कुल आप तैयारी कीजिएगा, कैसे नहीं होगा, पीएससी लेगा एग्जाम, वहां से आपको हो जाएगा। क्या है, देखिए पीएससी अगर एग्जाम लेता है तो आपको 2 से 3 माह का समय दिया जाएगा, जबकि व्यापम आपको 1 से 1.5 माह का समय देता है। जैसे कि लेबर इंस्पेक्टर का 8 दिन का एग्जाम है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर न्यू बेस प्रारंभ किया गया, कंप्यूटर की क्लास कल से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कंप्यूटर का, जिसमें आप 50 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है, डेली मैं आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के लिए संभावनाएं हैं। यानी कि अगर आपका एग्जाम 50 नंबर का हो रहा है तो आप 35 से 40 नंबर वहां से स्कोर कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्डेड क्लास में अपलोड कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। यही एक संदेश दे रहा था, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जाइएगा जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक बच्चों के पास पहुँच सके। कंटिन्यू क्लास कीजिएगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।